गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न इंग्लिश ग्रामर। सी पेज नंबर 69, उस पर थर्ड चैप्टर है शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ स्पेशल वर्ड्स। वो ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए ही है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज में ये आता ही है। सी इज ईटिंग, ओके। तो सी इज का जो स्पेशल वर्ड्स यानी ईटिंग कौन कर रहा है, शी इज, सी इज, इसका शॉर्ट फॉर्म सी इज को इस तरह से लिखते, सी और इज, ईटिंग शॉर्ट फॉर्म हो गया। दे आर रनिंग, दे आर यानी ये लास्ट टू वर्ड, इसमें लास्ट ये दो है तो उसका एक ही वर्ड लिया है। फिर शी इज नॉट रीडिंग, शी इज नॉट, इज नॉट का इजंट हो गया, ओके। इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सी इज नॉट ईटिंग यानी नेगेटिव सेंटेंस हुआ। दे आर नॉट राइटिंग, सॉरी वॉकिंग, दे आर नॉट वॉकिंग, दे आर नॉट का आरंट, आर नॉट आरंट वॉकिंग, ओके। तो शॉर्ट फॉर्म हुआ इज नॉट का इजंट, आर नॉट का आरंट। यहाँ पर ये चार्ट है, ये आपको लर्न करना है। आई एम का शॉर्ट फॉर्म हम बोलेंगे तो आई एम ही, बट उसको लिखने में ऐसे आएगा ही इज, ही इज, ही, सी इज, सीज, इट इज, इट्स, ओके। इज नॉट इज इजंट, आर नॉट आरंट, वॉज नॉट वॉजंट, वेर नॉट वेरंट, वी आर वेर, यू आर योर, दे आर देर, ओके। इज दिस अ रोज, यस इट इज, उसको नेगेटिव में नो इट इज नॉट, ओके, नो इट्स नॉट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को नेगेटिव में किया है, तो नेगेटिव में इट इज नॉट, इट्स नॉट, ओके। आंसर दिस क्वेश्चन इन शॉर्ट फॉर्म, इज इट हॉट टूडे, इज इट का क्या होगा, देखो ये रहा इज इट का, ओके। तो यहां पर देखो, इज इट हॉट टूडे, यस इट इज, नो इट्स नॉट, नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में हमने आंसर लिखा है। इज दिस अ फ्लावर, यस इट इज अ फ्लावर, नो इट्स नॉट अ फ्लावर। आर यू अ स्टूडेंट, यस यू आर, एंड नो आर नॉट, यानी मैं, हाँ मैं हूँ, और नेगेटिव में नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। इज नेहा योर सिस्टर, यस सी इज माई सिस्टर, नो इज नॉट माई सिस्टर, यस यस। एंड इज योर फादर अ डॉक्टर, यस ही इज अ डॉक्टर, नो इज नॉट। अभी यहाँ पर है रीड राइट इज सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन जो वर्ड्स है उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। इट इज रनिंग, रेनिंग, इट्स रेनिंग, यू आर टेलिंग लाइज, जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका ही शॉर्ट फॉर्म करना है। यू आर का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, योर, देखो ये रहा। ही इज हैविंग डिनर, वो डिनर ले रहा है, तो ही इज का शॉर्ट फॉर्म ही इज, जो अंडरलाइन वर्ड्स दिया है। ऑलवेज एग्जाम में भी जो आप उसका जो नोट दिया है ना, वो प्रॉपर रीड करो, देन आफ्टर उसका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो वो फिल करो। कितने सारे चिल्ड्रन ने ऐसा गलती की है कि ऊपर पढ़ा नहीं है और सीधा आंसर दे दिया है। सी इज मेकिंग अ डॉल, सी ए, सी इज का जो अंडरलाइन वर्ड है उसका शॉर्ट फॉर्म करना है, ओके। नेक्स्ट, नाउ री राइट इट सेंटेंस विद नॉट, नॉट लेकर री राइट करना है। इट्स नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इट इजंट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, ओके। यहाँ पर देखो ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं नॉट का यूज करके, यहाँ पर देखो, और ये भी लिख सकते हैं, ओके। ये हमने फुल फॉर्म में लिखा है, इट इज नॉट रेनिंग, अभी इसका शॉर्ट फॉर्म करो, इट इज नॉट का इजंट रेनिंग, ओके।
ये हमने फुल फॉर्म में किया है, उसका शॉर्ट फॉर्म में हमने किया है। ओके, तो नॉट का यूज करके आए तो डायरेक्ट आपको ये वाला आंसर ही लिखना है। ओके, रीराइट इट सेंटेंस यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को यूज करना है ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स है उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करना है। इट इज नॉट स्नोइंग। ओके, तो ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म करो इट्स, इट इज नॉट स्नोइंग। ओके, ये देखो यहां पर वापिस ये इज, यहां पर ये इसको अंडरलाइन किया है तो इज नॉट। ओके, तो वी देखो यहां चार्ट में भी आपको देखना है, यहां पर है वेयर नॉट, वी वेयर नॉट फ्लाइंग काइट्स, वेयर नॉट, वेयर नॉट का क्या है वेरेंट। ओके, तो यहां पर वेरेंट लिखकर रीराइट करना है सेंटेंस। मैडम आपको यहां पर सिर्फ यहां दिखा रही है, आपको ये पूरा सेंटेंस रीराइट करना है। ये लाइन लिखी उसका आंसर करके पूरा वापिस लिखना है। यहां पर सेम है, सी इज नॉट वेयरिंग अ हैट, सी इज, तो शी इज का शॉर्ट फॉर्म सी इज। ओके, तो वैसे ही जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसका शॉर्ट फॉर्म लेकर रीराइट करना है उसका सेंटेंस। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हमारा ये शॉर्ट फॉर्म का चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।